एक महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। भिमंडी शहर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एक कैंसर के मरीज के परिवार के लोगों ने एक महिला डॉक्टर जैनब के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की है। महिला डॉक्टर ने बताया कि हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। महिला डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर के मरीज को कैथेड्रल लगाना था, जिसके लिए यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में फैसिलिटी ना होने की वजह से मरीज को रेफर कर दिया गया था, लेकिन मरीज के परिवार के लोग इसी हॉस्पिटल में कैथेड्रल लगाने की जिद करने लगे और महिला डॉक्टर के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हालांकि महिला डॉक्टर ने इस पूरे मामले के संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। अभी 70 साल के एक अंकल आए, उनको 3 साल पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट का। फिर उनको बोले कि पेशाब में रुकावट है, पेशाब में पेशेंट को नली डालनी है। पहले तो वो फाइल के बिना आए थे। मैंने बोला आप फाइल मंगा लीजिए, हम देखते हैं कि क्या है, फिर हम बताएंगे कि हम डाल पाएंगे या नहीं। जब वो लाए, उनके पास रिपोर्ट थी जे की, वो ऑपरेट था कैंसर प्रोस्टेट का। तो मैंने बोला कि आप, हम यहाँ कैथेटर नहीं डालेंगे, आप कहीं यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो डालेंगे, अच्छा रहेगा, यहाँ डालना सेफ़ नहीं। अगर रप्चर हो गया यूरेथ्रा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद वो पेशेंट के रिलेटिव इतनी गंदी गंदी गालियाँ, मतलब वो तो मैं नहीं बता सकती वो गाली क्या दी, लेकिन बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है पूरा उसको। मैंने एक मिनट में ही फ़ौरन मामा को बोला, एम्बुलेंस बाहर लग गया, फिर भी वो गाली दे रही, भाई नहीं मुझे यहीं करना है, कैथेटर यहीं डालना है बस, और कुछ नहीं। बस वो गालियाँ देने लगी, फिर मैंने पुलिस को बुलाया। को जो बीमारी थी, उस बीमारी के इलाज के लिए यहाँ पर कोई सामग्री या कोई वस्तु नहीं था। उसके लिए कैथेटर डालने के लिए हमको यूरोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसर से ऑपरेट हो चुका था। अभी पेशाब में रुकावट उसको दोबारा आ रही थी, तो ये जानना पड़ेगा कि रुकावट कैंसर दोबारा बढ़ा या क्या वजह है। उसको हम यूरोलॉजिस्ट ही कैथेटर डाल सकता था, लेकिन हम नहीं डाल सकते क्योंकि हम उतने ज़्यादा हायर क्वालिफाई नहीं है कि हम डालें उसको कैथेटर। तो बस उसको यही जिद थी कि नहीं मुझे यहीं डलवाना है। तो आपने क्या पुलिस में रिपोर्ट की इसकी? मैंने पुलिस में इन्फॉर्म किया, पुलिस में रिपोर्ट करवा के अभी फिर आई हूँ मैं दोबारा ड्यूटी। जब यहाँ पर ये मामला हुआ गाली गलौज का, तो यहाँ पर जो गार्ड्स है उनका क्या रवैया था, क्या वो लोगों ने इस मतलब मामले को पूरा बीच बचाव किया कि वो बुलाए पुलिस को बुलाए? पुलिस यहाँ पर रहते नहीं है, जल्दी अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनको बुलाया जाता है। जब तक पुलिस पहुँचती है तब तक आधा मैटर सॉल्व हो चुका होता है, वो गाली वगैरह देकर जा चुके होते हैं। फिर भी गार्ड ने उन लोगों को रोक कर रखा था, पुलिस वाले आए, फिर उसके बाद हम गए कंप्लेन किए, कंप्लेन करके अभी आए हैं। सीसीटीवी में कुछ इसका मतलब गाली वगैरह का कुछ? मैं ज़रूर आपको रिकॉर्डिंग दूंगी उसकी।